दोस्तों नमस्ते, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ग्रो माय इंडिया यूट्यूब चैनल। एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष बकरी पालन की एक शानदार जानकारी के साथ। और दोस्त आज मैं नेपाल में वीडियो बना रहा हूं, वीडियो के आगे मुलाकात भी करवाएंगे इस फार्म के ओनर से जो पिछले 10 वर्षों से बकरी पालन के व्यवसाय को कर रहे हैं। शुरुआत इनकी देसी बकरी से हुई थी, जो नेपाल की जो नेटिव ब्रीड होती है उसी से हुई थी। उसके बाद फिर जो राजस्थान की नस्ल है सिरोही और जमुनापारी, बड़े नस्ल की जो भारत की जो ब्रीडें हैं उसकी फार्मिंग ये करते थे। उसके बाद पिछले छः वर्षों से ये बोर बकरी की फार्मिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारी जानकारी दोस्त आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। सर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। आपको भी नमस्कार। सर आप अपना नाम और कंप्लीट एड्रेस हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम अशोक सुवेदी, रंगेली नगर पालिका मोरंग नेपाल में। तो बकरी पालन के व्यवसाय को सर आप कब से कर रहे हैं? बकरी पालन तो मैं लगभग 10 साल से ऊपर ही हो गया, 11-12 साल हो गया। अब पहले शुरुआती अवस्था में यहीं का स्थानीय लोकल जात से पाल रहा था, लेकिन उससे 1-2 साल बाद मैंने इंडिया में जो मिलता है राजस्थान की तरफ बरबेरी सिरोही जमुनापारी वही से पाला। अब 6 साल हो गया, उसको भी हटा के मैं बुयर नस्ल में कर रहा हूँ। यानी कि आपका कहे अनुसार जो बकरी पालन की आपने शुरुआत की थी, जो स्थानीय ब्रीड जो आपके नेपाल में पाई जाती है उसी से आपकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद फिर जो राजस्थान की जो ब्रीड है सिरोही तोतापड़ी जमुनापड़ी या बरबड़ी वगैरह उसकी फार्मिंग आपने की, उसके बाद सबको हटाकर आपने बोर की शुरुआत कर ली, बोर फार्मिंग की शुरुआत की। हाँ जी। तो बोर फार्मिंग की शुरुआत करने के पीछे क्या कहानी है? वही तो, बोर फार्मिंग की शुरुआत करने के लिए तो अभी ये जो हम लोकल को खिलाएंगे बार बारी वही सब थोड़ा उन्नत जात को खिलाएंगे, वही एक ही है, खाना पीना का सभी एक ही है बोयर में ये नस्ल में, लेकिन इसमें ग्रोथ ज़्यादा होता है। यानी कि खर्च सेम है लेकिन ग्रोथ इसमें ज़्यादा है, यानी कि जब ग्रोथ ज़्यादा होगा तब मुनाफा भी ज़्यादा होगा। ग्रोथ ज़्यादा है और इसमें दूसरा बात इम्यूनिटी पावर भी ज़्यादा है, रोग से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोध क्षमता भी इस बकरी में बहुत ज़्यादा है। तो अभी आपके फार्म में मदर गोट की संख्या बोर की अगर बात करें तो कितनी है और मेमने की संख्या कितनी है? मदर गोट की संख्या 100 से 120 तक है, अब मेमने सभी मिला के 200 से 250 के बीच में है। टोटल संख्या जो है मदर गोट और मेमने मिलाकर 200 से 250 के बीच में। हाँ जी। तो भोजन की जो व्यवस्था होती है वो किस तरह की आपके यहाँ होती है, किस तरह की खान पान यहाँ पर रखते हैं उस पर भी हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। भोजन के लिए हमने अभी हरे चारे के लिए घास उगाए लगभग 4 बीघा के, 4 बीघा जैसा है। तो उसमें मैंने सभी बकरी को स्टॉल फीलिंग ही है हमारा, हम किसी कहीं पे चरा नहीं, लेकिन नहीं ले जाते। जो बकरी पालन आप कर रहे हैं कमर्शियल गोट फार्मिंग जो आप कर रहे हैं तो स्टॉल फीड पर ही अपनी बकरियों को रखते हैं, चराई पर लेकर नहीं जाते, ग्रेजिंग नहीं करवाते। ग्रेजिंग नहीं कराते, चराई पर नहीं जाते, सभी स्टॉल फीलिंग में है, लेकिन उसमें हम हरा और सूखा चारा मिला के खिलाते हैं। कितना परसेंटेज रहता होगा हरा चारे का? वो 50-50 जैसा खिलाते हैं हम। अच्छा, 50% हरा चारा और 50% सूखा चारा। तो सूखा चारा में क्या क्या शामिल रखते हैं? सूखा चारा में हम गेहूँ के भूसी हो, दलहन के भूसी सब, अब कम होता है तो धान के पराल भी खिला सकते हैं, और उसी में हरा चारा नेपियर प्रजाति का घास विभिन्न बहुवर्षीय घास मिक्स करके, और उसमें थोड़ा घास का कम हुआ तो साइलेज भी प्रयोग करते हैं। अच्छा अच्छा, जब हरा चारा की उपलब्धता कम होती है तब आप साइलेज का इस्तेमाल करते हैं? जी, साइलेज भी खिलाते हैं। तो बकरी पालन आपका जो हो रहा है यहाँ पर, फार्म जो आपका है, हमारे दर्शक भी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, काफ़ी ऊंचाई पर आप फार्म का निर्माण किए हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह एक तो वो बकरी जात सब जो अच्छे जगह में ही बैठने के लिए पसंद करता है और हमें मुक्त रहे, और उसमें जो ऊपर होता है उसके बकरी के गैस जो पिसा फेरते हैं उसमें बहुत गैस होता है, उससे बकरी में बीमार होने की बहुत वगैरह ना हो गैस, तो उसी के लिए मैं थोड़ा कम से कम 3 फीट से ऊपर ही रख के इसको पाल रहा हूँ। उसके लिए नीचे सफा करने में बहुत आसान होगा और इसी के लिए मैं ऊपर ही रखता हूँ सबको। तो मैं देख रहा हूँ, जो हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग उम्र की बकरियों को मेमनों को आप रखे हुए थे, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये, वो जो बड़ा वाला होता है वो छोटा का खाने नहीं देता है, उसको मारता है, बच्चा फालने की डर होता है, लेकिन उसमें मैंने सभी कंपार्ट मिला के छोटा वाला एक साइज 3-4 महीने का, एक साइज 6-7 महीने का, एक साइज जो गाभिन है उसको अलग, बोका सबको अलग, खसी सबको अलग, उसी से मिला के रखा वो। तो चलिए जो क्वालिटी आपके पास है हमारे दर्शकों को भी दिखाइए। हाँ जी ठीक है, चलिए। तो दोस्तों मैं आपको फार्म के अंदर लेकर जा रहा हूँ और यहाँ पर मेमने हैं। साहब ये इसकी उम्र कितनी है? ये सब बोयर का 87.5 से 93% का है। प्योरिटी की बात करें? प्योरिटी की बात। और उम्र कितनी है? उम्र वो 4 से 5 महीने के अंदर है। ये टोटल 4 से 5 महीने के आसपास की है। अभी वेट में लगभग 20 किलो के आसपास है, 18 से 22 किलो तक है इसका वेट। तो अभी 4 से 5 महीना की ये सब मेमने हैं, 18 से 20 किलो के बॉडी वेट में है। अगर ये 12 महीने के हो जाएंगे तो वजन कितना पकड़ लेंगे? अब वही वो दूसरा टम्पट में उसमें लगभग आपको
वही 8 से 10 महीने तक का है, और वो 30 किलो 25 किलो से ऊपर ही 30 किलो 32 किलो 35 किलो तक का भी है वहाँ से। अच्छा, अगर बात करें सर कोई भी फार्मिंग करेंगे तो वो जानना पसंद करेंगे कि जो बोर नस्ल है इसकी क्या क्या खासियत है, तो खासियत के बारे में सबसे पहले हम आते हैं इसके बच्चे देने की क्षमता पर। तो एक साल में ये कितने बार बच्चे देती है और एक बार में कितने बच्चे दे सकती है? ऐसा होता है एक बार में एवरेज में तो 2 ही ठो निकलता है, किसी का 3 ठो भी किसी का 1 ठो भी आ सकता है, वो पहले बेत अनुसार भी होता है। अब जो बच्चा देने का टाइम जो हमने बकरा जब बच्चा देता है उसके 2 महीने से ऊपर जाके फिर उसको गर्भधारण करने के बना ले, उसी से 2 साल में 3 बार ये बच्चे देता है। यानी कि 2 साल में ये 3 बार बच्चे दे सकती है, कभी 1 बच्चे या 2 बच्चे या तो कभी कभी 3-3 बच्चे भी दे सकती है। हाँ जी, ज़्यादा पालेंगे तो एवरेज में 2 ठो ही हो गया। अच्छा, यानी कि साल में 3 बार ही बच्चा दे सकते हैं। साल में 3 बार ही दे सकते हैं। दूध की कैपेसिटी कितनी है इसकी? दूध को तो इसको तो दूसरा वही माँ के दूध से ही बच्चा को हो जाता है। यानी कि इतनी दूध इसके पास हो जाती है जो अपने बच्चे को आसानी से पेट भर सके। हाँ जी, आसानी से पेट भर सकता है बच्चे के अपनी माँ के दूध से। तो बकरी सुरक्षित रहे, चूँकि आपके पास पर तो काफ़ी लंबा अनुभव है, 10 वर्षों का अनुभव है, तो भली भांति से आपको जानकारी होगा भाई कि जो बकरी पालन हम कर रहे हैं तो बकरी का जब सघन पालन होता है, एक साथ बहुत सारी बकरियों का पालन होता है, तो वहाँ पर बीमारियाँ आती हैं, तो बीमारियाँ ना आए इसके लिए आप क्या करते हैं? बीमारी के लिए ऐसे आपको टाइम में वैक्सीन उसको डालना पड़ता है। अब आपके यहाँ कौन चीज़ का ज़्यादा प्रकोप है उसके लिए हमारे यहाँ तो PPR और ET का बहुत प्रकोप है। उसके लिए नेपाल में PPR और ET+TT का ज़्यादा प्रकोप है, तो इसका वैक्सीन आप करते हैं? हम साल में PPR के 1 बार, ET+TT के 2 बार डाल देते हैं। और FMD का यहाँ प्रकोप नहीं है? FMD का उतना ज़्यादा प्रकोप नहीं है, FMD का यहाँ पर टीका नहीं देते। टीका नहीं देते, और उसके बाद 3-3 महीना में अथवा 2.5 से 3 महीना में उसका डिवॉर्मिंग करना पड़ेगा, इंटरनल डिवॉर्मिंग 3 महीना में अनिवार्य करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप देख के टाइम टेबल में किसका किसी में कमजोरी पना है तो उसको इलाज करना पड़ेगा, कभी कभार बीमार भी हो सकता है, उसको जल्द तुरंत ही इलाज करना पड़ेगा। तो बच्चे जब यहाँ पर आएंगे या कोई भी फार्मर के यहाँ जो बोर नस्ल की फार्मिंग अगर करेंगे उनके यहाँ जो मदर बच्चे प्राप्त होंगे तो उसको कैसे बचाएंगे, उसको सुरक्षित कैसे रखेंगे, उस पर कुछ बताइए। बच्चे को वही 2-15 दिन तक उसके माँ के बगल में ही रख देंगे, उसको दिन में 3 टाइम दूध पिला देंगे, तो उसके बाद तो वो थोड़ा थोड़ा करके घास भी खाने लगे 15 दिन के बाद, तो उससे माँ से हटा भी सकते हैं। और दूसरी तरफ रहेंगे माँ के संग में बैठा तो माँ को भी आगाने नहीं देगा, वो भी पेट नहीं भरेगा। तो टाइम टेबल में कोई भी व्यक्ति, चूँकि आप भी आज बकरी पालन कर रहे हैं 10 साल से कर रहे हैं, पहले आपने बताया कि नेटिव ब्रीड से शुरू किए थे, उसके बाद फिर राजस्थान की जो नस्ल है उससे शुरू किया, उसके बाद फिर आपने बोर नस्ल की फार्मिंग शुरू किया, तो आपको कुछ बोर नस्ल में नज़र आ रहा होगा तभी ना इसकी फार्मिंग आप कर रहे हैं। तो हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं वो भी अगर बकरी पालन के व्यवसाय में उतरेंगे तो 2 पैसा कमाने के उद्देश्य से उतरेंगे। तो अगर बात करें कि अगर 10 बकरी उनके पास बोर नस्ल की हो जाए तो सालाना उनकी इनकम कितनी हो सकती है? अब यही देखिए ना, हम जब पहले सिरोही बरबेरी और दूसरा नस्ल पाता था जो ये 4-5 महीने के पट्टी ज्यादा से ज़्यादा बेचते थे तो 4,000-5,000 में बिक जाता था, अभी इसी का 15,000 से ऊपर ही बिकता है, 15,000-18,000-20,000 तक भी बिक जाता है। और वही खर्चा एक ही है, खिलाने पिलाने का सब एक ही है, इसको थोड़ा ज़्यादा खिलाना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ लेता है। तो अब इसमें ये फिर ये नस्ल ऐसा है कि कुछ भी देते वो भी खा लेता है। यानी कि अगर बात करें कि एवरेज दिखाया जाता है इंडिया में कि अगर कोई ब्लैक बंगाल बकरी की फार्मिंग कर रहा है तो सालाना एक बकरी 10 से 12 हज़ार की इनकम दे सकती है, तो उस हिसाब से अगर बोर नस्ल की अगर फार्मिंग करेंगे तो लगभग 3 गुना उनको इनकम हो सकती है, यानी कि 30 से 35 हज़ार तक उनकी इनकम हो सकती है एक बकरी से, हो सकती है उसे। अभी रिजल्ट तो यही पे आपके सामने ही है, वही तो इसके लिए लेकिन हेयर विचार देखभाल तो अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, बशर्ते कि सही तरीके से जानकारी के साथ उसकी देखभाल करे, उसको उसका जो भोजन है उसका डाइट है उस पर विशेष ध्यान दे। तो आपके यहाँ जो बकरी पालन हो रहा है काफ़ी बड़े पैमाने पर आप हो रहा है, आपने बताया कि लगभग 200+ बकरियाँ आपके पास हैं मदर गोट और मेमने मिला करके, तो लगभग कितना कॉस्ट गिर जाता होगा प्रति बकरी आपके यहाँ? कॉस्ट तो ऐसा है, हम ज़्यादातर दाना कम खिलाते हैं, हम ज़्यादातर हरा चारा ही खिलाते हैं, हरा चारा अपने ही बारी में लगा हुआ है, हम ये घास में आधारित बकरा पालन करते हैं। अच्छा। वो नहीं कि दाना का, दाना में बहुत कॉस्ट होता है, तो उतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है। अब सीजन में भूसा खरीद करके रख देंगे, उसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं हुआ, अब घास अपने ही बारी में, अब दाना में थोड़ा बहुत सीजन में अपना ही होता है, नहीं तो खरीद के भी लाएंगे, उतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। यानी कि अगर हरा चारा पर्याप्त मात्रा में हमारे किसान बंधु खेतों में लगा ले तो काफ़ी कम खर्च में बकरी पालन कर सकते हैं। और चूंकि ब्रीड सेलेक्शन काफ़ी जरूरी है दोस्तों, अगर इस तरह की ब्रीड का चयन अगर आप बकरी पालन में करते हैं, बशर्ते भले आपको महंगा पड़ेगा शुरू में, थोड़ी सी महंगी ब्रीड है, लेकिन भाई इसका रिजल्ट जो है चौंकाने वाला होता है, काफ़ी बेहतर होता है और इनकम भी आपको ज़्यादा दे सकती है। और इनके अनुसार लगभग जो नॉर्मल जो बकरी जो आपकी देसी बकरी की
फार्मिंग अगर आप करते हैं तो उससे 3 गुना इनकम इस बकरी के माध्यम से आप कर सकते हैं। और खर्च के विषय में सर ने आपको बताया ही कि जो नॉर्मल बकरी की फार्मिंग हम करते थे जितना खर्च उसमें करते थे उतना ही खर्च इसमें करते हैं, लेकिन उससे 3 गुना इनकम हमको ज़्यादा होता है। मैं तो इंडिया से हूँ, आप नेपाल से हैं, नेपाल में आपकी फार्मिंग हो रही है, तो अगर इंडिया से कोई भाई हमारे बोर बकरी की फार्मिंग करना चाहे, बोर नस्ल की फार्मिंग अगर करना चाहे, तो किस तरह से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं? अब उधर से कोई फार्मिंग करना चाहे तो वो फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, कोई चीज़ का परामर्श लेना हो सलाह लेना ले सकते हैं, वो आके भी फील्ड में देख सकते हैं। हमारा बॉर्डर के नज़दीकी है, ज़्यादा दूर नहीं, बॉर्डर के वही 4-5 किलोमीटर नज़दीकी है। मेरा नंबर मैं दूंगा, उसमें आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ से जो बकरी परचेज करना चाहे, या तो मेल या तो फीमेल, तो कैसे क्या तरीका है उसका? अब उसका तो वही कॉन्टेक्ट, पहले कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, तब आप आके देख के ले जा सकते हैं। क्योंकि आपके यहाँ तो होम घर के जो बच्चे हैं वही मिलेंगे, बाहर से आप ट्रेडिंग करते नहीं हैं, जो आपके यहाँ प्राप्त होंगे तो उसके लिए नंबर भी लगाना पड़ता है क्या? नंबर वो अब आपको ज़्यादा, अब एक दो ठो तो चार ठो लाने के उसमें नंबर नहीं लगा, आप ज़्यादा क्वान्टिटी में चाहिए तो नंबर लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए नंबर लगाना पड़ेगा। हाँ जी, नंबर। तो सर एक और सवाल है कि चूँकि हम भी इंडिया से हैं तो यहाँ के पर आप कॉल करते हैं तो व्हाट्सअप पर कॉल आता है, कभी लगता है कभी नहीं लगता है, तो इंडिया के बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हमारी चैनल भी इंडिया की ही है, हालांकि बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे नेपाल के भी हैं, तो अगर वहाँ से वो कोई कॉल करना चाहे तो कोई इंडिया का कोई नंबर है आपके पास? हाँ जी, इंडिया का भी नंबर है, आप उससे बात कर सकते हैं, आपको नंबर लिंक में दिया जाएगा। अच्छा, दिया जो स्क्रीन पर चल रहा है जो नंबर इंडिया का है, उस पर भी लोग संपर्क करके आपसे बात कर सकता है? हाँ जी, संपर्क कर सकते हैं इंडिया के नंबर पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा हमारे दर्शकों को मिली। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से ये फार्मिंग करते हैं, क्या इनका मैकेनिज्म है, किस तरह का व्यवस्था है, सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से इन्होंने देने की कोशिश की है। और 10 वर्षों से बकरी पालन के व्यवसाय को कर रहे हैं, सफलतापूर्वक कर रहे हैं और अच्छी खासी आमदनी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह का और भी अपडेट जारी रहेंगे, तो बने रहिएगा ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए।